द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया जाता है। जनरली प्रॉपर तथा अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। द का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जो निश्चित हो, खास हो या फिर पूर्व परिचित हो, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जिससे श्रोता और वक्ता पहले से जानते हों। इस स्थिति में द का प्रयोग होगा, फिर चाहे नाउन सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जागम क्लासेज में। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 25 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल वीडियोज रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इसका प्रीवियस एक्सरसाइज देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड बुक्स के और वीडियोज देखना चाहते हैं तो आपको एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना चाहिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, इसलिए आपको पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो देखना है, ओके। पहला अनुवाद है हाथी मजबूत होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो, एलिफेंट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले मैंने द का प्रयोग किया, ठीक है। हाथी मजबूत होता है, द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग। अब है घोड़ा उपयोगी होता है, सेम थिंग है, क्या हो जाएगा द हॉर्स इज यूजफुल। देखो हॉर्स क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग मैंने किया। घोड़ा उपयोगी होता है, द हॉर्स इज यूजफुल। अगर गाय एक जानवर है तो क्या हो जाएगा द काउ इज एन एनिमल। अब यहां पर आपको कुछ बातों को का ध्यान रखना होगा, ठीक है। देखो गाय एक जानवर है, मैंने क्या ट्रांसलेट किया, द काउ इज एन एनिमल। सबसे पहली बात, काउ क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, इसलिए इसके पहले मैंने द प्रयोग किया। दूसरी बात आप देखो कि एनिमल के पहले मैंने एन लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि एनिमल का जो प्रोनंसिएशन है वो क्या है, वोवेल साउंड है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, एनिमल क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए और एन का प्रयोग होगा। इसका प्रोनंसिएशन वोवेल साउंड था, इसलिए यहाँ पर एन आया। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर देखो क्या था, द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग या फिर द हॉर्स इज यूजफुल, तो स्ट्रॉन्ग या फिर यूजफुल ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, इसलिए इसके पहले ए या फिर एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। कुत्ता एक वफादार जानवर है, क्या हो जाएगा द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। देखो डॉग क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले मैंने द का प्रयोग किया। दूसरी बात आप देखो, एनिमल आपका क्या है, नाउन है, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इसके पहले जो फेथफुल है ये क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले मैंने ए लगाया, क्यों, क्योंकि इस एडजेक्टिव का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, कंसोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए आया। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि यदि किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो उस एडजेक्टिव के ठीक पहले आपको ए और एन का प्रयोग करना है। यदि उसका प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट साउंड आएगा तो ए आएगा, और यदि इसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड होता तब यहाँ पर एन आता, ठीक है। अब है गाय एक चौपाया जानवर है, तो क्या हो जाएगा द काउ इज ए फोर फुटेड एनिमल। यहां पर भी देखो सेम थिंग है, काउ क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले द आया, और यहां पर देखो एनिमल आपका क्या है, ये नाउन है, ठीक है, और ये जो फोर फुटेड है चौपाया ये एडजेक्टिव है, ठीक है, इसलिए इसे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ इसका प्रोनंसिएशन ध्यान देंगे। इसका प्रोनंसिएशन कंसोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले मैंने ए लगा दिया, ठीक है। गाय एक चौपाया जानवर है, द काउ इज ए फोर फुटेड एनिमल। अब है गाय नेक होती है, क्या हो जाएगा द काउ इज जेंटल।
ठीक है, गायनेक होती है, द काउ जेंटल काउ क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले द आया। अब है घोड़े उपयोगी होते हैं, क्या आ जाएगा, हॉर्सेज आर यूजफुल। मैंने शुरू में आपको बताया कि जनरली प्रॉपर तथा अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, साथ ही साथ जब नाउन प्लूरल हो तब उसके पहले जनरली द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ कर सकते हैं, बट कंडीशन यह है कि इससे श्रोता और वक्ता पहले से जानते हो, ठीक है। अब ये गायें नेक होती हैं, क्या हो जाएगा, काउज आर जेंटिल। यहाँ पर भी नाउन क्या है, प्लूरल है, तो जनरली इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अब है बच्चे नटखट होते हैं, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन आर नटी। यहाँ पर भी क्या है, नाउन प्लूरल है, ठीक है, तो इसके पहले जनरली द का प्रयोग नहीं होगा। और यहाँ पर मैं एक आपको फिर से समझाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर है बच्चे नटखट होते हैं, तो मैंने क्या बनाया, चिल्ड्रेन आर नट्टी। यदि यहाँ पर रहता कि बच्चे नटखट हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो स्पीकर है, जो वक्ता है, वो इन बच्चों को पहले से जानता है, पूर्व परिचित है, ठीक है। तब यहाँ पर हम बना सकते थे द चिल्ड्रेन आर नट्टी, बच्चे नटखट हैं, ठीक है, किंतु यहाँ पर है बच्चे नटखट होते हैं, तो यहाँ पर बनेगा चिल्ड्रेन आर नटी। अब है बिल्लियां फुर्तीली होती हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैट्स आर एक्टिव, ठीक है। अब है दूध लाभदायक होता है, क्या बनेगा, मिल्क इज यूजफुल। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, देखो जनरली तो मैंने आपको बताया कि प्रॉपर प्लूरल या फिर अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, मिल्क क्या अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले साधारणतया द का प्रयोग नहीं करेंगे। बट यदि यहाँ पर रहता है, यहाँ पर क्या है, दूध लाभदायक होता है, मैंने बनाया मिल्क इज यूजफुल, बट यदि यहाँ पर रहता कि दूध गर्म है या फिर दूध लाभदायक है, ठीक है, तब क्या बनता है, द मिल्क इज हॉट या फिर द मिल्क इज यूजफुल, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि जो स्पीकर है, जो वक्ता है, वो इससे पूर्व परिचित है, तब निश्चितता का बोध कराने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। शहद मीठा होता है, तो हो जाएगा हनी इज स्वीट। देखो हनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, जनरली नहीं करेंगे, ठीक है। सोना पीला होता है, तो क्या हो जाएगा, गोल्ड इज येलो। गोल्ड भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो जनरली इसके पहले भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। कोयला काला होता है, तो हो जाएगा कोल इज ब्लैक, ठीक है। कोल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो जनरली द का प्रयोग नहीं करेंगे। लोहा मजबूत होता है, आयरन इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आयरन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले जनरली द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब है नमक उपयोगी होता है, सॉल्ट इज यूजफुल। सॉल्ट भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो जनरली द का प्रयोग नहीं करेंगे। चांदी उजली होती है, सिल्वर इज व्हाइट। सिल्वर क्या है, यह भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो जनरली इसके पहले भी द का प्रयोग नहीं करेंगे।